ब्राह्मण कल्याण परिषद की ओर से कांगड़ा में आयोजित की गई रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई। जयंती कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता शांता कुमार ने भी विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए परिषद को न केवल असली ब्राह्मण होने का पाठ पढ़ाया बल्कि जात पात से ऊपर उठकर समाज में समरसता कैसे स्थापित की जाए इसके लिए भी प्रेरित किया। भले ही ब्राह्मण कल्याण परिषद की ओर से कांगड़ा में रजत जयंती का आयोजन करते हुए परिषद की ओर से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और शांता कुमार ने यहां परिषद को न केवल असली ब्राह्मण होने का पाठ पढ़ाया बल्कि जात पात से ऊपर उठकर समाज में समरसता कैसे स्थापित की जाए इसके लिए भी प्रेरित किया। शांता कुमार ने समाज को याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान का गठन इसी जात पात धर्म और समुदायों की बदौलत हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के गठन के बाद भी भारत में जात पात के स्तर पर अभी तक सुधार न होने का दुख प्रकट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही सरकार के मंत्री के व्यक्तित्व का व्याख्यान करते हुए कहा कि कैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल को कैसे उनके ही प्रदेश में एक मंदिर में जाने से रोका गया था। क्या यही सामाजिक समरसता है? अगर यही सामाजिक समरसता है तो ये हमें पतंग की ओर ले जाएगी। मैं हृदय की बड़ी भावना से कहना चाहता हूं, हजारों साल की गुलामी के बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी हम नहीं सुधरे, नहीं सुधरे। नौबत यहां तक हमारे प्रदेश के एक मंत्री राजीव सहगल को कहना पड़ा कि एक गांव के मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं मिला। खबर पढ़कर शर्म शर्म। हम ब्राह्मण सभा में है, कौन है ब्राह्मण? हमारे शास्त्रों में कहा है जन्मात जायते शूद्रा संस्कारात विच्युते, वेद पाठी भवेत्य ब्रह्मचारी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण है। जब हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो ये भी जान रखें कि मेरे देश की संस्कृति में ब्राह्मण कहा किसको है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उनके मंत्री के साथ हुए सामाजिक भेदभाव पर चिंता जाहिर की और उन्होंने भी सामाजिक समरसता बरकरार करने की बात कही। कांगड़ा में आयोजित ब्राह्मण कल्याण परिषद का रजत जयंती समारोह भले ही शक्ति प्रदर्शन का एक केंद्र था, बावजूद इसके यहां पहुंचे भाजपा के नेताओं ने जो सामाजिक समरसता का पाठ लोगों को पढ़ाया इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आज समाज के कल्याण के लिए अलग अलग तबकों में नहीं बल्कि सबको एक सूत्र में पिरोकर काम करने की जरूरत है। देखिए, इस सारी बातों को लेकर के समाज में समरसता बहुत आवश्यक है और समरसता आज के इस आधुनिक युग में चर्चा का विषय ही नहीं बनना चाहिए, ये जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उस तरह से काम करने की आवश्यकता है। कई जगह अभी तक भी बहुत सारी चीज़ों को समरसता की दृष्टि से हमको करने की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने विधानसभा के अंदर भी बोला कि हम 68 विधायक अपने क्षेत्र में तय करें कि समाज के साथ सबको मिला करके चलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये हमको कोशिश करने की जरूरत है।